सबसे बड़ा प्रमोटर, सबसे बड़ा सपोर्टर, कोरोना का सबसे पहला जो आतंकवादी बॉम्ब था वही था जो लीलावती में जाके एडमिट हुआ था 8 महीने पहले, और जिसके हगने की रिपोर्ट, मूतने की रिपोर्ट, पादने की रिपोर्ट, पल पल की रिपोर्ट आपको मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे उसके पलंग के नीचे पड़ा है कि आज अमिताभ बच्चन ने पीले रंग की शूशू करी, आज अमिताभ ने हरे रंग का पाद मारा, इतना जबरदस्त। और क्योंकि आपको पता होगा कि लीलावती हॉस्पिटल ठप हो रहा था, कोरोना के पेशेंट नहीं आ रहे थे, अमिताभ बच्चन वहां पर कुछ कमेटी में है, तो अमिताभ को लाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाकर लाया गया। और अमिताभ ने भी कहा कि हाँ मेरी ठरक को लोगों ने देखना बंद कर दिया, लोग मुझे देखते ही नहीं है। तो लीलावती ने कहा चल हमारे हॉस्पिटल में कोई नहीं आ रहा तो तू आ कोरोना को प्रमोट कर और यहाँ पर आके हग मूत पाद और हम तेरे पाद का कलर, हग गू का कलर, मूत का कलर सारी दुनिया को दिखाएंगे कि आज अमिताभ बच्चन अपने पैरों पर चढ़ के मूतने गए। तो अमिताभ बच्चन जब मूतने जाएगा तो जाहिर सी बात है अपने ही पैरों पे मूतने जाएगा, आपके पैर तो उधार नहीं लेगा, मेरे पैर तो उधार नहीं लेगा। आज अमिताभ बच्चन ने 2 लुक में खाने खाए और उसी वक्त हमारे भारत के टकलू गृह मंत्री अमित शाह एम्स में एडमिट थे, लेकिन सिंगल खबर आप तक नहीं बताई, हमें तो नहीं बताया कि अमित शाह ने किस रंग का मूता, अमित शाह ने किस रंग का हगा, अमित शाह ने किस रंग का पाद मारा। अमित शाह तो हमारा गृह मंत्री था, भारत का गृह मंत्री था, उस टकलू की इंफॉर्मेशन तो हमें कुछ नहीं दी, लेकिन अमिताभ बच्चन के हगने का मूतने का पल पल का डेटा आपको दिया गया। अब तो मान जाओ, मान गए जुमले आजम, अब तो मान जाओ कि जो बात मैं कह रही हूँ बिल्कुल सीरियस है। यानी इतनी भयानक बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी और इसका पॉजिटिव का सर्टिफिकेट बनाना इतना आसान कि कोई भी चंगा मंगा बनवा ले और जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, कितना आसान है। क्योंकि ये सारा फर्जीवाड़ा है, अब तो मान लीजिए कि ये सारा गेम है, ये शतरंज की वो चाल है जहां आपको प्यादा बनाकर यूज़ करा जा रहा है। और मैं लगातार आपसे ये वाली बात समझाने की कोशिश कर रही हूं, आपको अवेयर कराने की कोशिश कर रही हूं और आपके दिमागों को साइन देने की कोशिश कर रही हूं, सिग्नल देने की कोशिश कर रही हूं, आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर ये पैंडमिक है, ये इतनी भयंकर बीमारी है, ये वाकई कुदरती कहर है और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ रही है, तो उसकी चपेट में भारत के अभिनेता क्यों नहीं आ रहे? इसकी चपेट में अमिताभ बच्चन सबसे पहले मरना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा प्रमोटर, सबसे बड़ा सपोर्टर, कोरोना का सबसे पहला जो आतंकवादी बॉम्ब था वही था जो लीलावती में जाके एडमिट हुआ था 8 महीने पहले, और जिसके हगने की रिपोर्ट, मूतने की रिपोर्ट, पादने की रिपोर्ट, पल पल की रिपोर्ट आपको मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे उसके पलंग के नीचे पड़ा है कि आज अमिताभ बच्चन ने पीले रंग की शूशू करी, आज अमिताभ ने हरे रंग का पाद मारा, इतना जबरदस्त। और क्योंकि आपको पता होगा कि लीलावती हॉस्पिटल ठप हो रहा था, कोरोना के पेशेंट नहीं आ रहे थे, अमिताभ बच्चन वहां पर कुछ कमेटी में है, तो अमिताभ को लाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाकर लाया गया। और अमिताभ ने भी कहा कि हाँ मेरी ठरक को लोगों ने देखना बंद कर दिया, लोग मुझे देखते ही नहीं है। तो लीलावती ने कहा चल हमारे हॉस्पिटल में कोई नहीं आ रहा तो तू आ कोरोना को प्रमोट कर और यहां पर आके हग मूत पाद और हम तेरे पाद का कलर, हग गू का कलर, मूत का कलर सारी दुनिया को दिखाएंगे कि आज अमिताभ बच्चन अपने पैरों पर चढ़ के मूतने गए। तो अमिताभ बच्चन जब मूतने जाएगा तो जाहिर सी बात है अपने ही पैरों पे मूतने जाएगा, आपके पैर तो उधार नहीं लेगा, मेरे पैर तो उधार नहीं लेगा। आज अमिताभ बच्चन ने 2 लुक में खाने खाए और उसी वक्त हमारे भारत के टकलू गृह मंत्री अमित शाह एम्स में एडमिट थे, लेकिन सिंगल खबर आप तक नहीं बताई, हमें तो नहीं बताया कि अमित शाह ने किस रंग का मूता, अमित शाह ने किस रंग का हगा, अमित शाह ने किस रंग का पाद मारा। अमित शाह तो हमारा गृह मंत्री था, भारत का गृह मंत्री था, उस टकलू की इंफॉर्मेशन तो हमें कुछ नहीं दी, लेकिन अमिताभ बच्चन के हगने का मूतने का पल पल का डेटा आपको दिया गया। लेकिन अमिताभ बच्चन मरा नहीं जबकि मरना चाहिए था, और जिस जमाने में इसको कोरोना बनाकर फेम करा गया था,
पब्लिसिटी दी गई थी, उस जमाने में कोरोना का वैक्सीनेशन आया ही नहीं था, कोरोना की रोकथाम चल रही थी। तो जब किसी सेलिब्रिटी को कोरोना हुआ और ये हॉस्पिटलाइज हुए तो चंगे मंगे होकर घर आ गए, जबकि वैक्सीनेशन इजात नहीं हुए। बीजेपी के कितने नेताओं ने फर्जीवाड़ा करा और कहा कि हमें कोरोना हो गया। आपको गोबर पात्रा याद होगा, जिसको संबित पात्रा भी आप कहते हैं, तो गोबर पात्रा ने भी कहा मुझे कोरोना हो गया, क्या वो मरा? नहीं मरा। आपको याद होगा हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब ने भी कहा मुझे कोरोना हुआ, क्या वो मरे? नहीं मरे। आपको याद होगा ज्योतिर राव सिंधिया ने भी कहा, क्या वो मरा? नहीं मरा। गरज ये कि जिस वक्त वैक्सीनेशन आई भी नहीं थी, दवाएं भी नहीं आई थी, रेमडेसिविर भी नहीं आया था, उस जमाने में तमाम भाजपाई तमाम एक्टर चंगे मंगे अंगड़ाइयां लेते हुए हॉस्पिटल नहीं हनीमून मनाकर घर को वापस चले गए, एक वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर वापस चले गए और आपको बेवकूफ बनाते रहे। और जिस जमाने में इनके ही बकौल इतनी खतरनाक सुनामी आई हुई है, उस जमाने में कोई सिंगल भाजपाई मरने को तैयार नहीं है, कोई नेता मरने को तैयार नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर मरने को तैयार नहीं, कोई मिनिस्टर मरने को तैयार नहीं। राजेश सिंह शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, एक आए हैं जो मुझे अपने खानदान का पता बता रहे हैं, शुक्रिया। 2 रुपए कमाइए और मेरा मंदिर बनाइए और मुझे पूजना शुरू करिए, क्योंकि अमन रिजवी राजेश सिंह आपकी भगवान है, क्योंकि आप मेरे टुकड़ों पर पल रहे हैं। 2 रुपए मैंने आपको दिए, जा क्या याद करेगा, चल निकल। तो अब अगर ये देखिए, जब ये पैंडेमिक था, इतना भयंकर था, तो ये सिर्फ गरीब लोगों को, प्यादों को क्यों मारा जा रहा है? बीजेपी के लोग क्यों नहीं मर रहे? बड़े बड़े नेता क्यों नहीं मर रहे? सोचिए ना, मरने चाहिए ना, क्यों नहीं मर रहा है? या आपदा आपका लाइसेंस देखकर आ रही है, आपका आधार कार्ड देखकर आ रही है, आपका पूरा शजरा देखकर आ रही है कि अगर आप बीजेपी वाले हैं तो इससे आपकी दोस्ती और ये चली जाएगी? कि नहीं, हम वायरस को वायरस नहीं होता, क्योंकि ये तो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है ना, ये तो वो ऐसे वायरस हैं भाजपाई दंगाई बलात्कारी के, इनसे बड़ा वायरस इस मिल्लत कायनात में कोई नहीं होगा, दुनिया में नहीं होगा, इस अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में इन जैसे लोग आ ही नहीं सकते। तो शायद ये भी हो सकता है ना कि वायरस को, इन नरभक्षियों को ये वायरस देख के भाग जाता हो कि नहीं तुम्हारे लिए हम नहीं आए। कैसे? सोचो, तुम जा रहे हो अस्पतालों में, पटापट मर रहे हो, पटापट मर रहे हो। कल गुजरात में एक बंदी हल्का सा दिल घबराता है, अपने पैर पे हॉस्पिटल जाती है, 2 घंटे बाद बाहर कॉल आ जाती है कि आपकी बंदी मर गई। कैसे मर गई? और हम लगातार 1 साल से चीखम चिल्ली मचा रहे हैं कि आप सीसीटीवी दीजिए। क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरे लगा रहे? आप हॉस्पिटल में क्यों नहीं बताते कि ये सारा फर्जीवाड़ा है? लेकिन आप तमाम लोग फिर भी जागने को तैयार नहीं है। अरे हम यकीन करेंगे, दो चार चीफ मिनिस्टर इस बीमारी में मार के दिखाओ, इतने सारे गवर्नर हैं 5-6 उनको टपका कर दिखाओ, इतने सारे MP हैं 10-20 उनको टपका के दिखाओ, हजारों की तादाद में काउंसलर हैं 100-150 उनको मारो ना, तब हमें यकीन आएगा कि हाँ ये बीमारी सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, ये बीमारी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये बीमारी सच में आपदा है जिससे बीजेपी वाले भी मर रहे हैं, जो कि नहीं मर रहे और जो कि मरेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बीमारी है ही नहीं। इतना बड़ा स्कैंडल चला और माना, चलिए माना ये बीमारी है, आपको सरकार क्या कोरोना के लिए आपको कुछ दे रही है? आपको ऑक्सीजन नहीं दे रही, आपको बेड नहीं दे रही, आपको दवाई नहीं दे रही। यहाँ तो उल्टा मामला लग रहा है कि जैसे ये कोरोना को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोरोना को बचाने निकले हैं और आपको मारने निकले हैं, यानी हर वो तरीका अपना रहे जिससे कोरोना जिंदा रहे और आप मर जाएं। आपके लिए क्या कर रही है? अगर आपने मास्क नहीं लगाया 10,000 का चालान आपको जेलों में डाल रही है। मैंने आपको बताया था कि दरियागंज में एक हस्बैंड वाइफ जो बंद गाड़ी में जा रहे थे, सिर्फ 2 थे, उन पे इतना जबरदस्त उन पे जुर्माने लगाए, उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था और उनको तिहाड़ में डाल दिया, जमानत भी नहीं हुई। यानी आप कोरोना से हमें बचा रहे हो या हमारे से कोरोना को बचा रहे हो? पहले सरकार अपनी इस वाली बात को क्लियर करे कि हम कोरोना से डरें या आप हमें कोरोना से डरा रहे हो। आप हमारे आका हो, आप हमारे लीडर हो, आप हमारी गवर्नमेंट हो, लेकिन कहीं से कहीं तक आप हमें ऐसा नहीं लगता कि आप हमें कोरोना से प्रोटेक्ट कर रहे हो। हर जगह ऐसा लगता है कि आप तो उल्टा कोरोना को प्रोटेक्ट करते हैं, कि कोरोना को बचा रहे हैं, कि ग्लूकोज ना चढ़ जाए, ऑक्सीजन ना चढ़ जाए, दवा ना मिल जाए, कहीं कोरोना
मर ना जाए, कहीं बंदा बच ना जाए, आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हॉस्पिटल जाए वो जिंदा वापस ना आए। आपका तो एक ही नारा है कि अब की बार अंतिम संस्कार, अब की बार अंतिम संस्कार। बस अंतिम संस्कार आपको करना है, चाहे एक घर से तीन चिताएं उठें, चाहे चार चिताओं की गर्मी वो घर फील करे, लेकिन आपको बस हर बार अंतिम संस्कार, हर बार अंतिम संस्कार करना है। और भगत भी कितने खुश हैं, बहुत खुश हैं भगत कि देखो मोदी जी ने हमसे सन 2017 में वादा करा था। याद तो होगा एक दफा यूपी की रैली हो रही थी सन 2017 में, जब मोदी जी ने कहा था, भाइयों कब्रिस्तान चाहिए या शमशान? लोगों ने क्या कहा था? शमशान। भाइयों आवाज नहीं आ रही, शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान? जोर से बोलो। भक्तों ने कहा शमशान शमशान, तो मोदी जी ने कहा लो सन 2020 में हम तुम्हें इतने शमशान देंगे कि शमशान कम पड़ जाएंगे और हम एक ऐसा इतिहास रचेंगे कि तुम्हारी डेड बॉडी की लाइनें लगा देंगे, अर्थियों को भी लाइन में लगा देंगे और तुम कहोगे वाकई अब की बार अंतिम संस्कार। यही बोलोगे, यही तो हो रहा है। और बड़े खुश हो रहे हो कि कठमुल्ले मर रहे हैं, मुल्ले मर रहे हैं। अबे जाहिलो, भारत की आबादी में मुसलमान मात्र 23% हैं। 23% में तुम 80% जो मर रहे हैं उनकी तुम्हें परवाह नहीं है कि वो लोग कौन मर रहे हैं। बस तुम ये खुश हो रहे हो कि अगर एक मुसलमान भी मर गया, पीछे से 1000 हिंदू मर गए, तो तुम्हें ये खुशी है कि हाय हमने एक मुसलमान को मार दिया। जाहिलो ये नज़र नहीं आ रहा कि तुमने 500 फैमिली बर्बाद कर दी। ये नजर नहीं आ रहा कि 140 करोड़ में तुम 30 करोड़ को बर्बाद करने लग गए, लेकिन तुम जितने के ये 120 करोड़ लोग हैं उनकी तुम्हें परवाह नहीं है। ऐसी भक्ति किस काम की? बेशक भक्त बनो, लेकिन सच्चाई के भक्त बनो। बहुत सारे भक्त बेचारे आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये वो हैं जिनका अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, अब की बार अंतिम संस्कार। हो सकता है कल इनमें से कितनों का अंतिम संस्कार हो जाए। और जिस तरह मैंने कैप्शन में भी डाला है कि दारालूम देवन से फतवा आ गया है, जो मेरे पास फतवे की कॉपी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास आए जहां पर दारालूम देवन ने इस वाली बात को सख्त हराम करार दिया कि जो कुछ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए ये कह रहे हैं कि मस्जिदों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, ये सख्त हराम है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आवाज़ देवन के दारालूम तक पहुँची और उन लोगों ने इस पर फतवा दिया। और मैं भी लगातार यही बात कह रही हूं कि क्यों ये जो आपने स्कूल बंद कर रखे हैं, आपने कॉलेज बंद कर रखे हैं, जितने सारे आपने कम्युनिटी सेंटर बंद कर रखे और नेताओं के कार्यालय बंद हैं, तो इनको क्वारंटाइन सेंटर क्यों नहीं बनाते? क्यों तुम मस्जिदों पर नजर खराब कर रहे हो? तो आज दारालूम देवन ने इस बात पर फतवा दे दिया कि कोई भी मस्जिद को क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार मैं यही बात कह रही हूं कि वो हमारी मस्जिद हैं जहां पर हम नहीं चाहते कि जिनको आप फर्जी बना बनाकर कोरोना का पेशेंट बता रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, पेशाब की थैलियां लगा रहे हैं, कि वो हमारी मस्जिदों में जाके हगे मूते पा दें। कल भी बेचारा एक भक्त आया था, वो कह रहा था कोई बात नहीं आधी मस्जिद बना लेंगे। क्यों बना लेंगे? आधी भी क्यों बनाएंगे? हम मस्जिद में क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाएंगे। और जब ज़्यादा मुसीबत है तो जो इस इलाके के नेता हैं, एमएलए हैं, काउंसलर हैं, वो अपने घरों को जो उन्होंने हराम की दौलतें जमा कर रखी हैं, उनके फालतू प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, उन प्रॉपर्टी को जाकर क्वारंटाइन सेंटर बनाएं और फैसिलिटी दें। ये नहीं कि जाकर वीडियो बना दी हमने यहाँ पर स्कूल में नूर नगर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, सिर्फ डबल बेड बिस्तर बिछा के फोल्डिंग पलंग बिछा के तुम्हारा क्वारंटाइन सेंटर बन गया। वहां मक्खी नाम की डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हमारे सो कॉल्ड एमएलए ने, जो इस वक्त इस दौर का वसीम रिजवी बनने की राह पर चल पड़ा है। जैसे वसीम रिजवी कलामे पाक के पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा ही ओखला का एमएलए इस वक्त वो मस्जिदों के पीछे पड़ा हुआ है और हमारे मस्जिदों के इमामों को वर्गला रहा है
ये तो बहुत सीधे साधे होते हैं इमाम, इनको क्या पता, इनको बरगला रहा है कि आप अपील करें कि जितनी भी मस्जिदें हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी लाइव में बताया था कि इस बार इसको पूरी उम्मीद है ओखला के MLA को कि ये जीतेगा नहीं, केजरीवाल इसको टिकट नहीं देगा, इसको MLA बनने का चस्का लग गया, हराम की खाने की आदत पड़ गई। तो अब ये चाहता है कि अब जो अगले साल इलेक्शन हो उसमें किसी भी तरह, सॉरी अगले साल नहीं, तो 2 साल बाद 3 साल बाद जो इलेक्शन हो उसमें किसी भी तरह ये MLA बने। तो इसने भी अपना खुराफाती दिमाग लगाया कि मैं भी वसीम रिजवी की तरह काम करता हूँ, लेकिन इतना घुमा के करता हूँ। इसने RSS वाला दिमाग लगाया, ये मुस्लिम RSS एजेंट आपके बीच में जिसने दिमाग लगाया कि मैं दिमाग से कैसे खेलता हूँ। तो इसने एक गूगली फेंकी कि हम जितनी भी मस्जिदें हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर बना देते हैं, ताकि ये सोचे, मुसलमान सोचे, हाय हमारा MLA इतना ज़बरदस्त हमारे लिए भलाई का काम कर रहा है कि मस्जिदों को क्वारंटाइन सेंटर बना रहा है। तो ये इस दौर का दूसरा वसीम रिजवी है। वसीम रिजवी के दूसरे भाई का नाम है ओखला का MLA अमानतुल्ला, जिसका नाम अमानतुल्ला है लेकिन अल्लाह की इतनी सी भी अमानत नहीं है। इसके किरदार के बारे में किसी से भी पूछ लीजिए कि कितना ज़बरदस्त किरदार वाला ये आदमी है, कितना ज़बरदस्त किरदार है इसका, कि ना अपनी सलत को छोड़ा, ना अपनी नौकरानी को छोड़ा, ना सोशल एक्टिविस्ट को छोड़ा, ना अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को छोड़ा, सब पे इसने हाथ साफ करा। अनगिनत FIR इस पर हैं, जो कुछ इसने पैसे के दम पे हटा दी और किसी से इसने निकाह कर लिया। तो ये इस दौर का वसीम रिजवी बनने के फिराक में, ताकि मुसलमानों का लीडर बन के ये फिर एक बार ओखला में काबिज हो जाए और फिर यहाँ की पब्लिक को इसी तरह खून चूस के मारे जैसे मार रहा है। ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, ना घरों में मीटर, पूरा ओखला सब मीटर पे चल रहा है। 7-7 मंजिला टावर बना दिए, सरकारी मीटर गायब, सब मीटर चल रहे हैं। क्योंकि एक जो एजेंडा होता है कि एक क्राइटेरिया सरकार ने रखा है कि आप 4 मंजिल से ज़्यादा फ्लोर नहीं बना सकते, लेकिन ये खबीस इंसान वहाँ पर 7 मंजिला टावर बनवा देता है और कहता कोई बात नहीं, किराए पे तो तुम्हें मकान देने, तो सब मीटर लगा दो। और सब मीटर में एक एक यूनिट जो जा रहा है वो 10-12 रुपये यूनिट किराएदार पे कर रहे हैं। रनिंग वाटर का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, बिल्डिंगों में रनिंग वाटर की फिटिंग ही नहीं कर रखी ताकि पानी माफिया भी चले, और क्या ज़रूरत है, ये तो जानवर होते हैं किराएदार। तो इतना ज़बरदस्त इसका गुंडा राज चल रहा है ओखला में अमानत का कि वाकई इससे बड़ा माफिया गैंगस्टर इस वक्त ओखला में कोई नहीं है, जिस गैंगस्टर का नाम है अमानतुल्ला खान। और इसी की वजह से मुझे आप पार्टी से नफरत हो गई। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज़ आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।